पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। कृपया विराजमान हो जाइए। अर्चना जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। आपको पता आज एक खबर आई, मैंने देखा। क्या? उसमें बता रहे थे कि हमारा एक एपिसोड कितने रुपए में बनता है। कितने में बनता है? बड़ा इंटरेस्ट है आपको गॉसिप में, देखो। ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में हर किसी की प्रॉब्लम है। हर किसी को कोई ना कोई खबर जानने का बड़ा शौक रहता है। आप किसी को फोन करके देख लो और सुना और कोई नहीं ताजी। थोड़ी देर चुप होते फिर बस और कुछ मतलब खबर आए कोई कहीं ना कहीं से। रिटायर लोगों को देख लो जो बिजनेस बच्चों को सौंप चुके हैं, नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, वो सुबह उठ जाते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि उठ तो गए अब करें क्या। वो सुबह उठ के अपना चश्मा नहीं ढूंढते, सबसे पहले पेपर ढूंढते हैं, है ना। हालांकि ये वो लोग होते हैं जो रात को सारी खबरें देख चुके होते हैं टीवी पे, सुबह उठ के चेक करते हैं कि जो रात को हुआ था वो ठीक से छपा कि नहीं छपा। और कई तो इस चक्कर में देखते हैं कि मेरे सोने के बाद और उठने से पहले कुछ घटा है। अच्छा, ये वो रिटायर्ड लोग होते हैं जिन्होंने 10 साल से अपना चश्मे का नंबर अपडेट नहीं किया। खबरें इनको अपडेट चाहिए। हाँ सीरियसली, चश्मे कभी नंबर ऊपर नीचे हो जाए ना तो फिर उसको नहीं चेंज करवाते, अखबार को आगे पीछे करके देखने लगते हैं। अरे यार, ये विराट कोहली की दाढ़ी इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गई? कहते चाचा कोहली नहीं राजा मौली। अच्छा राजा मौली है। राजा मौली कौन सी टीम से खेलता है? RRR राजस्थान रॉयल्स। अच्छा, हमारे यहाँ हर तरह की न्यूज के फॉलोअर्स हैं। कई लोगों को इंटरनेशनल न्यूज में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि बाइडेन के घर से क्या राज मिले, अब क्या होगा पुतिन का अगला कदम। और कई बेचारे मेरे जैसे कुछ भी देख लेते हैं, रात के अंधेरे में एलियन आके पी जाते हैं भैंस का दूध। इतने सारे चैनल्स हो गए, छोटे छोटे पोर्टल्स भी आ गए हैं। हाँ। सोशल मीडिया पे लोग मोबाइल लेके आजकल अपना न्यूज चैनल शुरू कर देते हैं। हाँ। कुछ भी खबरें आ जाती हैं। अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए किसानों ने बजाए हनी सिंह के गाने। और ये सच्ची न्यूज है, मैं आपको बताऊं। ये एक पेपर में आई थी। अच्छा, इलेक्शन के टाइम पे आप देखो हर बंदे को यही क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही होती हैं। हाँ। ये वो लोग होते हैं जिनको घर में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं देता, लेकिन इनको ये जानना है कि ये कुर्सी किसको मिल रही है। सारे चैनल चेंज कर करके देख रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, उनकी फेवरेट पार्टी को जिस चैनल में सबसे ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं फिर वही देखते रहते। ये है ये बनी बात। तो कहने का मतलब ये है, हम सबको हर दिन हर पल की खबर चाहिए। और आज हमारे बीच तीन ऐसी सुपरस्टार न्यूज एंकर आ रही हैं जिनके हर प्रोग्राम को ऑडियंस बड़े शौक से देखती है। और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप एंड चित्रा त्रिपाठी। वेलकम मैम, वेलकम 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 चित्रा जी, जोरदार तालियां हो जाए हमारी सुपरस्टार एंकर्स के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम गरीबों का निमंत्रण स्वीकार किया। मेरे को पता नहीं क्यों डर क्यों लगने लगा आपसे देखते ही इनको, क्योंकि इनको हमेशा गंभीर देखा है हमने। आप तीनों बहुत प्यारी लगनी है। थैंक यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब जैसे आप जब अपना न्यूज प्रोग्राम शुरू करती हैं उससे पहले तैयार होने में जितना टाइम लगाती हैं उतना ही आज लगाया, कि मुझसे मिलने खुशी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। थोड़ा ज्यादा लग गया। त्रिपाठी जी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आइए विराजमान हुए, जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, रोज अलग अलग गेस्ट जो हैं वो इनके सवालों का सामना करते हैं और नर्वस रहते हैं। आज मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूँ और मैं ही बड़ा नर्वस हूँ। वो इसलिए क्योंकि इनके एक एक प्रोग्राम में 10-10 लोग बैठे रहते हैं, उनको चुप करा देते हैं। आप चुप रहिए, आप बोलिए। कभी जैसे आप जहाँ पे रहती हैं आपके आसपास कोई लेडी आके कहती है कि 2 मिनट आना मेरी सास चुप नहीं हो रही, इसको चुप करा दो, ऐसा कभी आपको फरमाइश लेके आती है? स्टूडियो से निकलने के बाद मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, कुछ देर के लिए मौन हो जाती हूँ। बोलने का दिल नहीं करता ना फिर जब इतना बोल के जाए। मेरी बड़ी ये बात प्लीज आप कैमरा में देख के मेरी बीवी को समझा दीजिए। मैं जब शो करके जाता हूँ तो वो लास्ट में आके मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं करते हैं। उसको लगता है कि मेरे से आके बात क्यों नहीं करता। मैं यार इतना बोल के आए होते ना हम कि नहीं वाकई मन करता बोलने का। ये सच कह रहे हैं। धन्यवाद, क्योंकि आपने बोल दिया आपको सच मान लेगी।
मैंने बहुत बार देखा है जब डिबेट हो रहा होता ना न्यूज चैनल पे, तो ये गेस्ट को बोलती है समय की कमी है, पैनल में दूसरे गेस्ट भी हैं, आप 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। और ऐसे में कभी कोई आदमी आपकी तारीफ करनी शुरू कर दे तो फिर आप उसको बीच में टोकती हैं या कहते हैं कि 2 मिनट और बोल सकते हैं आप? नहीं नहीं, तारीफ करने से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। टाइम तारीफ करने से इतना जरूर होता है कि ठीक है एक लाइन बोल लिया, चलिए अब आगे बढ़िए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, सीरियस मीडियम है, कपिल शर्मा शो थोड़े ना है। हाँ, नहीं वो आपकी बात, तू पढ़ाई कर रहा है, चल चल। मैंने एक शो में देखा डायरेक्टर इम्तियाज अली साहब बातों बातों में अंजना जी के झुमकों की तारीफ कर दी। अच्छा। और ये हंसने लग पड़ी उस समय, तो उसके बाद आपने उनसे 2 तीखे सवाल कम किए थे कि आप अपने तेवर सेम रखे? आपने तेवर वही रहते हैं। झुमका वाला वीडियो देख लिया आपने? जी, रिसर्च कर रहे थे। हमारे भी हैं 1-2 लोग। We have a huge team of research of 1 person. तो वही बताता रहता है। अच्छा, इनको हर सब्जेक्ट के ऊपर इतनी नॉलेज होती है, ऑब्वियसली रिसर्च करती हैं, पढ़ाई करती हैं, ऊपर से इतनी खूबसूरत है ना, जिसे न्यूज नहीं भी सुननी होती ना, वो भी कहीं इनको देख लेना 2 मिनट तो रुक ही जाता है चैनल पे। नहीं तो आदमी अखबार में पढ़ ही लेता है। चैनल की स्ट्रेटेजी देखो आप कितनी कमाल की है, तीनों को प्राइम टाइम दे रखा है, अंजना जी हल्ला बोल, चित्रा दंगल और श्वेता जी को 10 तक, शाम 6 से 10 बजे तक आदमी हिल नहीं सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप कभी ऐसी खबर बोल देना कि सिलेंडर महंगे हो गए, आदमी को बुरा ही लगता है, कहता है इतनी खूबसूरत एंकर बोल रही 20-25 रुपए सिलेंडर महंगा भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब आपके बोलने का इतना असर है। ये जो आप घूर रही है ना, मुझे डरा रही है भाई, आप इतने सीरियस मुद्दे पे बात करती, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सीरियस मुद्दे पे बात करते करते आपकी खुद की हंसी निकल गई हो? मेरे साथ तो हुआ है कई बार। एक दो ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो नहीं 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 मैं बोलूंगा, मैं कुछ कुछ उठपटांग करते हैं और कई बार हंसी रोकनी पड़ती है। तो फिर मेरा प्रोड्यूसर PCR से देख लेता है फटाफट कि अब ये बस हंसी इनकी फूटने वाली है, ऑफर कर देता है और गेस्ट को बीच में कर देता है। और कई बार ऐसा होता है जब बीच में किसी गेस्ट से, मान लीजिए अभी तो हमारे पास मोबाइल नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास जब हम लाइव बुलेटिन कर रहे होते हैं मोबाइल होता है, किसी गेस्ट के पास अगर नहीं जाओ तो वो बीच में मैसेज करता है कि अरे हमारे पास आओ, बहुत देर से नहीं आया आप लोग। अच्छा। कई बार ऐसा होता है, फिर हम लोग उनके मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं ऐसे, लेकिन बाद में कॉल करके, क्योंकि बार बार वो गेस्ट हमारे रोटेट होते रहते हैं, तो बाद में कॉल करके हम लोग बोल देते हैं सॉरी सर हम देख नहीं पाए थे, उस समय लाइव एंकरिंग चल रही थी। तो कभी कभी रिप्लाई भी करती चलते शो में, चाचा 2 मिनट रुको क्या हो गया, आते हैं तुम्हारे पास। अंजना को तो मैंने कितनी बार उसके शो के बीच में किया है और उसने रिएक्ट करके उस गेस्ट को उसी टाइम। हाँ, मैं मोबाइल देखती हूँ शो के बीच में। अच्छा जी। मैसेज पढ़ती हूँ, रिस्पॉन्ड करती हूँ। देखिए ये प्रोफेशन ऐसा है कि कई बार आप किसी टॉपिक पे 6 बजे घुसे, अगर आपने मोबाइल बाहर रख लिया, हो सकता है 6:20, 6:25 पे कुछ और ही हो गई खबर एक्चुअली। सो हमें कनेक्टेड तो रहना ही पड़ता है इलेक्शन टाइम, उस समय तो सेकंड टू सेकंड हमें इनपुट्स मिल रहा होता है, हम पढ़ के उस पे रिएक्ट करते हैं ऑन एयर। कभी कभी तो मैंने देखा कोई बड़ा एंथुसियाज्म से सुना रहा होता है, अंजना जी मैं इस समय जम्मू के फलाना जिला में मेरी है, और उस समय आपको कोई दूसरी बड़ी न्यूज मिल जाए उसको वहीं चुप कराती, आप चुप रहिए अभी बारामूला से एक बड़ी न्यूज। अंजना जी आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि अंजना जी वैसे आप इतनी स्वीट है, कैमरा ऑन होते इतनी अग्रेसिव क्यों हो जाती हैं आप, कि थोड़ी देर पहले तो मेरे से ठीक बात कर रही थी, इसके बाद आपने बोलना शुरू, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी? एक्चुअली देखिए, एक इंसान की 2 चीजें होती है, एक पर्सनालिटी एक एटीट्यूड। पर्सनालिटी आप पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा। जी। अच्छा, जब जैसे अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं कार्यकर्ता, जब आप डिबेट करते हैं इस पार्टी के लोग उस पार्टी के लोग, तो डिबेट शुरू होने से पहले कोई आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, चाय कॉफी पूछ लेगी ताकि आप थोड़ी नरम रहे उनके साथ? नहीं, फ्रेंडली होने की कोशिश तो सब करते हैं। अच्छा जी। लेकिन आप लास्ट मोमेंट वहां पर पहुंचते हैं कि किसी के पास स्कोप ही ना हो फ्रेंडली होने का। अच्छा, सीधा ही बात, सीधा जाके स्टूडियो में फाइनल अटैक, फाइनल असॉल्ट, पूरी अंदर की जानकारी हम निकलवा रहे हैं ताकि कभी हमें जाना पड़े तो हम तैयार होके जाए। ये दिनेश है ना, जो ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, जो ये गिटार पे बैठे हुए हैं, हाँ, तो ये मेरे से पूछा था कि आज सारी मेन एंकर तो यहाँ पे आई हुई हैं, आज वहाँ पे न्यूज चल रही हैं या शहनाई का प्रोग्राम रखा हुआ है? नहीं, यहाँ आने से पहले हमारे बॉस ने हमसे यही पूछा कि तीनों जा रही हो, यहाँ कौन करेगा? हाँ, इनविटेशन खास आदमी से था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पर सीरियसली न्यूज इतने बदल गए हैं ना, इतना मजा भी आता है देख के, क्योंकि तरीका जो है बड़ा बदल गया है। पहले न्यूज आती थी ना, एंकर के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था, चाहे वर्ल्ड कप जीता है कोई, चाहे इंडिया हार आए, आज भारत ने 35 रनों से श्रीलंका को हराया,
उसको ये था कि भारत ने हराया, मेरा क्या लेना देना। होता था ऐसे, है ना। और आराम आराम से पढ़ते थे। कश्मीर में हुई बर्फबारी, सारे रास्ते जाम, सैलानी परेशान। आजकल आप देखो जैसे न्यूज शुरू होती है ना, तेज म्यूजिक के साथ कांच टूटने की आवाज आती है, पिश करके हेडलाइंस आती है, ठिठुरता कश्मीर। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।